डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ईथर्स एंड एस्टर्स, यानी जो मोनोसेकेराइड्स हैं उसके द्वारा ग्लाइकोसाइड्स, ईथर्स और जो एस्टर है उनका संश्लेषण किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के अंदर जिस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन द्वारा अभिक्रिया से अम्ल की उपस्थिति में हेमी एसिटेट बनता है और आगे ये हेमी एसिटेट एल्कोहल से अभिक्रिया करके एसिटेट बनाता है। देखिए, हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड और एल्कोहल RCHO, ये जो एल्डिहाइड है प्लस एल्कोहल ROH, जब अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहां से एल्काइल समूह कार्बन के साथ में ऊपर माइनस RCO- R एच और इसके साथ में एक एच प्लस जुड़ करके इस प्रकार से हेमी एसिटेट बनता है। इस हेमी एसिटेट की फर्दर अभिक्रिया एल्कोहल के साथ में करवाते हैं तो एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव होकर के यहां से एल्कोक्साइड आयन जुड़ेगा तो एमी एसिटेट बनेगा। इस एमी एसिटेट की विक्रिया वापस एल्कोहल के साथ में करवाएंगे तो यहां से एक H2O अणु रिमूव होकर के RCR-O OR एंड H। ऐसी तेल बनता है। एल्डिहाइड एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो पहले हेमी एसिटेट बनेगा, यहां से RO- कार्बन के साथ H प्लस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके हेमी एसिटेट बनता है। इस हेमी एसिटेट की अभिक्रिया फर्दर एल्कोहल के अणु के साथ में करवाएंगे तो एक H2 अणु रिमूव होकर के एल्कोक्साइड आयन कार्बन के साथ जुड़ करके एसीटेल बनाता है। एक उसी प्रकार से जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो भी एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करके पहले हेमी एसीटेट और फर्दर आगे अभिक्रिया करके एसीटेल का फॉर्मेशन करेंगे जिसको हम ग्लूकोसाइड्स कहा जाता है। तो देखिए इसमें किस तरह से ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मोनोसेकेराइड्स है तो मोनोसेकेराइड्स के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप और जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है उसमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होती है और उस इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस के थ्रू ग्लूकोसाइड्स पहले हेमी एसिटेट और उसके बाद में फिर एसिटेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए, ग्लूकोज है, ऐसा ग्लूकोज का C1 कार्बन परमाणु
C5 कार्बन परमाणु के साथ अंतः अणु अभिक्रिया द्वारा साइक्लिक यौगिक चक्रीय यौगिक हेमी एसिटेल बनाता है। देखिए ये जो एल्डिहाइड कार्बन है एच ओ एच सी ओ एच एच सी ओ एच एच उसके बाद में फिर सी सी एच टू ओ एच एच एंड ओ एच। यहां पर जो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन परमाणु सबसे पहले अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन परमाणु को ये जो C1 कार्बन है RC5 कार्बन परमाणु इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी ऊपर माइनस और यहां से H प्लस आयन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं पहले साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण होगा। इसे हेमी एसिटेल कहा जाता है। ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसको हम क्या कहेंगे हेमी एसिटेल। हेमी एसिटेल बनेगा। अब ये जो हेमी एसिटेल है इसकी अभिक्रिया जो C1 कार्बन है जिस पर उपस्थित OH समूह नीचे की तरफ स्थित है तो इससे हम अल्फा ग्लूकोज तथा OH समूह ऊपर की तरफ स्थित है तो इसे बीटा ग्लूकोज कहा जाता है। OH एच C1 जो कार्बन होता है इसे एरोमेरिक कार्बन कहा जाता है और इस एरोमेरिक कार्बन पर उपस्थित एच और OH की स्थिति में परिवर्तन हो तो इससे दो समावयवी बनते हैं एक अल्फा और दूसरा बीटा। ये बीटा ग्लूकोज एमी एसिटेल की संरचना है। अब जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज इसकी अभिक्रिया हम अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ में करवाते हैं। ये जो अल्फा ग्लूकोज है अल्कोहल के साथ में अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो यहां से OH और एक हाइड्रोजन परमाणु H2O के रूप में रिमूव हो जाएगा और OR समूह जुड़ करके इस प्रकार से H O R H O H O H H H O H C H 2 O H and H। तो आप देख रहे हैं कि H2O अणु रिमूव होने के बाद में एल्किल अल्फा ग्लूकोसाइड बनता है। अल्फा ग्लूको
साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बीटा जो ग्लूकोज है, इस बीटा ग्लूकोज को भी एल्कोहल के साथ अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो इससे एल्किल बीटा ग्लूकोसाइड प्राप्त होगा। ओ आर एच एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच सी एच टू ओ एच एंड एच एल्किल बीटा ग्लूकोसाइड। इसे एसिटिल कहा जाता है। ये हेमी एसिटेट संरचना है, ये दोनों एसिटेट संरचना है। तो ग्लूकोसाइड फॉर्मेशन के अंदर ग्लूकोज का ही C1 कार्बन और C5 कार्बन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस करेगा जिसके थ्रू साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। इसको हम हेमी एसिटेट, C1 कार्बन पर OH नीचे की तरफ है तो अल्फा ग्लूकोज हेमी एसिटेट, और दूसरा OH समूह अगर ऊपर की तरफ है तो इसको बीटा ग्लूकोज हेमी एसिटेट संरचना कहते हैं। अब इस अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को आगे एल्कोहल के साथ अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से H2O अणु रिमूव होकर के OR समूह कार्बन C1 के साथ जुड़ता है तो ये एल्काइल अल्फा ग्लूकोसाइड, और बीटा ग्लूकोसाइड के साथ में जुड़ेगा तो एल्काइल बीटा ग्लूकोसाइड बनेगा। तो ये जो संरचना होती है इसे हम एसिटेल कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग एल्किल अल्फा ग्लूकोसाइड और एल्किल बीटा ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहां पर ग्लूकोज से हमने ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन किया है, ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन किया है। तो ग्लूकोज से अगर ग्लाइकोसाइड बनाते हैं तो इसको हम ग्लूकोसाइड कहा जाएगा, और यदि फ्रक्टोज से हम ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसको फ्रक्टोसाइड कहा जाएगा। तो यह भी ध्यान रखना आपको कि ग्लूकोज से जब ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं तो इसको हम ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन कहेंगे, और फ्रक्टोज से हम ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसको फ्रक्टोसाइड कहा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगला फॉर्मेशन ऑफ ईथर। देखिए ईथर के फॉर्मेशन में मोनोसैकेराइड्स है, उस मोनोसैकेराइड्स के जो हेमी एसिटिल संरचना है उस हेमी एसिटिल के OH समूह की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में करवाते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज का अल्फा या बीटा फॉर्म हो सकता है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो लाइन नजर आ रही OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये OH समूह या तो ऊपर की तरफ है या फिर ये कार्बन से नीचे की तरफ जुड़ा हुआ सकता है, इसलिए अल्फा फॉर्म भी हो सकता है या फिर बीटा फॉर्म भी हो सकता है। तो ग्लूकोज का जो अल्फा और बीटा फॉर्म ये जो हेमी एसिटेट संरचना है इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड यहाँ पर मेथिल आयोडाइड के साथ सिल्वर ऑक्साइड Ag2O की उपस्थिति में करवाते हैं तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन आयोडाइड के रूप में या सिल्वर आयोडाइड के रूप में अलग हो जाएगा और H2O मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, सभी जगह मेथिल ग्रुप जुड़ करके मेथिल 2, 3, 4, 6
थ्री फोर फाइव और सिक्स टेट्रामेथिल ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन होगा। यानी जो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी जगह मेथिल समूह जुड़ करके मेथिल टू थ्री फोर सिक्स टेट्रामेथिल चार मिथाइल ग्रुप जुड़ करके ग्लूकोसाइड अल्फा या बीटा का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर जो सिल्वर ऑक्साइड है वो इसलिए यूज में लिया जाएगा क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया उपयुक्त होती है, इजीली हैलाइड आयन है उसका निष्कासन हो जाता है। इसलिए दुर्बल नाभिक स्नेह OH समूह की आसानी से आयोडाइड आयनों को प्रतिस्थापित कर देता है क्योंकि इसकी उपस्थिति के कारण एल्किल हैलाइड है उसकी ध्रुवता बढ़ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स के अंदर जो मोनोसैकेराइड्स हैं उसके एमी एसिटेट के C1 पर उपस्थित OH समूह का जो हाइड्रोजन परमाणु है इस हाइड्रोजन परमाणु को एसिड क्लोराइड जैसे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl है या फिर एसिड एनहाइड्राइड के एसिड ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित होकर के एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यहां आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज का जो हेमी एसिटेट स्ट्रक्चर है अल्फा या फिर बीटा फॉर्म है। अब इसकी अभिक्रिया एसिड क्लोराइड CH3COCl के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में करवाएंगे तो प्रत्येक OH समूह में से एक हाइड्रोजन परमाणु Cl समूह द्वारा 5HCl मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और COCH3 समूह जुड़ करके इस तरह से एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं OCOCH3 का दूसरा अणु COCH3 का तीसरा अणु COCH3 का चौथा अणु और CH2COCH3 का पांचवा। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन तथा सिक्स कार्बन के साथ में एसिटिल समूह जुड़ करके पेंटा एसिटिल ग्लूकोसाइड बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 6 पेंटा एसिटाइल ग्लूकोसाइड बनता है। ये अल्फा या फिर बीटा फॉर्म हो सकता है, ये डिपेंड करेगा OH समूह ऊपर की तरफ स्थित है तो अल्फा ग्लूकोज और नीचे की तरफ है तो बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से एस्टर के फॉर्मेशन में एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड जो है CH3COOCOCH3 या एसिटिल क्लोराइड के साथ में जब अभिक्रिया करवाएंगे पिरिडिन की उपस्थिति में तो प्रत्येक OH समूह में से हाइड्रोजन परमाणु का एसाइल समूह COCH3 समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर के पेंटा एसिटिल ग्लूकोसाइड बनता है। तो इस प्रकार से हम मोनोसैकेराइड से ग्लूकोसाइड्स ईथर्स और एस्टर का फॉर्मेशन किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में जो राइबोज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।